हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है कि अगर कोई हमारी इंसल्ट करे या कोई हमको अपमानित करे तो हमको क्या करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि कई बार रिएक्शन देना इज़ नॉट गुड। इंसल्ट करने का मतलब ये है कि हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या हम किसी जॉब में हैं और कोई अगर कुछ ऐसा बोल रहा है जिसको रिप्लाई करने की नीड नहीं है, तो कई बार हमको रिप्लाई नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए कुछ लोगों को। कोई अगर बोल रहा है कि यू आर नॉट डूइंग गुड, और कोई बोल रहा है कि वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, तो कई बार ऐसा होता है हमारे प्रेजेंट लाइफ में, हमारे अराउंड में बहुत सारी बात होती है बॉयज़ गर्ल्स की। कई बार हम किसी की बात सुन के दूसरे को रिएक्शन देते, मैक्सिमम लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्शन देते। मैं खुद शॉर्ट टेम्पर हूँ, बट फिर भी मैं शॉर्ट टेम्पर होने के बाद भी मैं ट्राई करता हूँ कि इग्नोर करूँ। अगर किसी की कोई बात सुनूँ, कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो मैं इग्नोर करूँ, या फिर सोशल मीडिया में कोई कभी कुछ लिख दिया तो इग्नोर करूँ, ऐसा करना चाहिए। तो ये हमेशा लर्निंग वाला पार्ट है कि लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई कहाँ पे है ये मैटर नहीं करता। कोई कुछ भी कर रहा हो, एक छोटी सी जॉब कर रहा हो, चाहे बहुत बड़े लेवल पे हो, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हो। और ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसको रिप्लाई कर रहे हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आप बाइक से या कार से हो, कोई अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, गलती सामने वाले की होगी, उसके बाद भी कई बार लोग रिएक्ट करते, जिनकी गलती रहती वो लोग भी रिएक्ट करते। तो ऐसे केसेस में फाइट करने की नीड नहीं है, ऐसे केसेस में इग्नोर करने की नीड है। हाँ, कुछ गलत हो रहा है अपने साथ, कुछ कुछ फोर्सफुली गलत हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है हमारी फैमिली के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पे रिएक्शन देना ज़रूरी है। वहाँ पे तो हमको अपोज करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की नीड है, क्योंकि अगर कोई हमको अगर कुछ एबीसी बोल रहा है या हमको कुछ डिफरेंट वे में इंसल्ट कर रहा है, तो अगर हम रिप्लाई नहीं कर रहे तो वो रिटर्न उसी को चला गया। तो अगर कोई एबीसी अगर हमारे लिए है और अगर हम रिप्लाई नहीं कर रहे तो वो सेल्फ एबीसी हो गया। तो कई बार ये चीज़ सीखना चाहिए। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि कूल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों की बात सुनोगे, तो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि कूल कैसे रहूँ। एक दो सालों में मैं ट्राई किया हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने का, क्योंकि मैं खुद शॉर्ट टेम्पर उस बेसिस पे हूँ कि कुछ भी गलत होता है, मतलब अगर मेरी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, मैं इतने सारे लोग गेट अकेडमी में काम करते हैं, तो किसी को अगर मैं कुछ काम दिया लेकिन वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में नहीं किया तो मैं रिएक्ट करता हूँ। कई बार इतना आसान नहीं होता है, किसी को अगर मैं एक काम बताया उसके बाद उसी काम को दो तीन बार रिपीट किया उसके बाद भी गुड नहीं होता तो भी मैं रिएक्ट करता हूँ। तो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ कि ऐसे लोगों को हमेशा काम दिया जाए जो परफेक्ट है, जिन लोगों को परफेक्ट नहीं उनको वैसे काम ना दिया जाए। तो मैं धीरे धीरे मैं भी लर्निंग मोड में हूँ, तो सीखना चाहिए हमको। सबका पार्ट लर्निंग वाला पार्ट है। तो अभी आप स्टूडेंट्स हो, कोई 11 12 क्लास का स्टूडेंट्स हो, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, सबको ज़िंदगी में नीड है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कई बार रिलेटिव्स लोग भी अलग एंगल में बोलते, थोड़ा टॉन्ट मारते हुए बोलते कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या सोच के रखे हो, कुछ करोगे कि नहीं करोगे। तो कई बार ऐसे लोगों का रिप्लाई उस समय करने की नीड नहीं है, बहुत आसान नहीं होता है। कुछ लोग तो रिप्लाई कर ही देते, कुछ लोग इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो इतना रिप्लाई नहीं करते। तो मेरे को लगता है कि बेस्ट रिप्लाई होता है कि किसी को दिखाने के लिए तो नहीं, लेकिन बेस्ट रिप्लाई होता है हमको ना बिना बोले रिप्लाई करने वाला जो पार्ट होता है, बेस्ट रिप्लाई होता है। ज़िंदगी में इतना बेहतरीन करो, इतना आगे बढ़ो कि कुछ लोगों को रिप्लाई अपने आप मिल जाना चाहिए। कोई अगर आपकी इंसल्ट किया है किसी भी पॉइंट्स को लेके, ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कई लोगों को लगता है कि अरे आप क्या कर पाओगे, तुमसे हो पाएगा क्या, गेट हो पाएगा क्या, आईएएस हो पाएगा क्या, जेई हो पाएगा क्या, कोई भी एग्ज़ाम हो आपसे हो पाएगा क्या। तो कई बार हम लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं लोगों की बात सुन के। कोई बोल दिया कि आप बहुत अच्छे नहीं दिखते हो, जिनका कलर थोड़ा सा डार्क रहता है, वो लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम छोटी छोटी बातों से डिमोटिवेट ना हो। और कोई अगर इंसल्टिंग वे में बोल रहा है तो बस अपने को ध्यान रहना है कि वो इंसल्टिंग किस वे में है और वो कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसे लोग जो इग्नोरेबल लोग हैं, जो हमारे लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करते, उनका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे लोग को इग्नोर करना चाहिए। अपना काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको लोग ना इसलिए भी इंसल्ट करते या इसलिए भी टॉन्ट मारते कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, आप डाउन हो जाओ। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ये लोगों की फितरत में है कि लोग ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करने का ट्राई करते या टॉन्ट मारते, जो लोग उनको पता है कि जो लोग ना थोड़ा सा भी उस वे में लेते हैं चीज़ों को, जिनके माइंड में चीज़ें जाती है, जिनके किसी को बोलने से खराब वो लोग फील करते, ऐसे लोगों को लोग बहुत सारा टॉन्ट मारते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे समय में सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में ऐसा और मोटिवेशन लेना चाहिए, जब आपको कोई टॉन्ट मार रहा है, कोई आपको डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। सबकी सिचुएशन तो होती नहीं कि सब लोग
लोग स्ट्रांग होते हैं। एक कॉलेज में आपको कोई सीनियर अगर आपका इंसल्ट कर रहा है, थोड़ी उसको आप रिप्लाई कर दोगे या उसको मार दोगे, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इंसल्ट कर रहा है और बहुत सारे लोगों के सामने, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि सबसे फाइट कर ली जाए। कई बार अगर हम अगर किसी कंपनी में काम करते, कोई बॉस है वो टॉन्ट मार रहा है, इंसल्टिंग वे में कुछ बात कर रहा है कि क्या सोचते हो तुम, कुछ कर पाओगे अच्छा कि इसी पोस्ट पे रहोगे, तो कई बार हर बात फाइट नहीं की जा सकती है। तो कई बार रिप्लाई करना है लेकिन बेटर वे में रिप्लाई करना है। ऐसा होना चाहिए कि आपका बॉस अगर रिप्लाई किया तो अगले 5 साल बाद आप उसके बॉस होना चाहिए। अगर कोई आपको रिप्लाई किया कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो 5 साल बाद सिचुएशन ना पूरी चेंज कर देना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में, मैं खुद की बात करूँ, जितने बार भी लोग मेरे को बोले कि आप लाइफ में क्या सोचते हो कि आप अच्छा कर लोगे, सिर्फ ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के क्या लाइफ चल पाएगी, अगर 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 ट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो लाइफ कैसे चलेगी। और बहुत सारे लोग शुरू में डीमोटिवेट करते थे कि तुम्हारा आईटी ब्रांच है तो आईटी ब्रांच वाला एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रिकल को कैसे पढ़ा पाएगा, या फिर बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करते थे कि तुम खुद एमटेक नहीं किए हो तो एक गेट की क्लास कैसे ले सकते हो। तो ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन मैं हमेशा डीमोटिवेशन को मोटिवेशन के फॉर्म में लिया। बहुत सारे लोग जब फील करते हैं कि जब फील कराते हैं कि आप अच्छा नहीं कर सकते, तो वही तो पार्ट है कि आपको ना जब भी कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई डीमोटिवेट कर रहा है, आपको ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को समझना है। तो मैं बोल रहा हूँ सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस समय में रिएक्ट ना करें, लेकिन उसको दिख जाए कि जब चीज़ें अच्छी होगी ना 4 साल 5 साल बाद। मैं अपनी ज़िंदगी में इतने सारे एग्जांपल देखा हूँ, जो लोग ना स्टार्टिंग एजेस में इतना सपोर्ट नहीं किए, या जो लोग मेरे को ना डीमोटिवेट करने का ट्राई किए, मेरे को अपोज करने का ट्राई किया, आज वो मेरे को ही मैसेज करते हैं, मेरे को ही बोलते हैं यू आर डूइंग वेरी गुड, और अगर गेट अकेडमी में कोई अगर जॉब होगी तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये लाइफ का पार्ट है, इसलिए अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा और आप मोटिवेट हो गए तो वो सक्सेसफुल हो गया, यही तो इंपॉर्टेंट है कि उसको सक्सेसफुल नहीं होने देना है। तो अपने अपना जो वर्क है, अपना जो आगे बढ़ने वाला जो पार्ट है, जो हमारा ग्रोथ है, उसी से तो आंसर देना है। तो आंसर देने का सबसे बेस्ट तरीका, अपने सक्सेस के पार्ट को इतना गुड लेवल पे ले जाओ कि लोग देखते रह जाए, यही तो मजा है। तो मैं बोला कि जब भी कोई ऐसे इंसल्ट कर रहा है और आपको पता हो, सर्कमस्टेंसेस पता हो जहां फाइट नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट रिप्लाई क्या है, इग्नोर करना। सेल्फ कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ आवर लाइफ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, और ये सीखने वाली बात है। बहुत कम लोगों को सेल्फ कंट्रोल आता है, लेकिन ठीक है, तो हमको धीरे धीरे इंप्रूव करना चाहिए। तो ठीक है, आज का लेसन इतना ही था। आप ऐसे ही मॉर्निंग एंजॉय करते रहिए, ऐसे ही हम लोग एक एक टॉपिक पे बात करते रहेंगे। अगर टॉपिक कम पड़ गए तो आप मेरे को बिल्कुल सजेस्ट कीजिएगा सर कि इस टॉपिक पे बनाइए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोग मेरे को टॉपिक शेयर करेंगे तो मैं और भी टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि टॉपिक अगर कम पड़ जाएंगे तो मेरे पास हो सकता है कंटेंट सोचना पड़े मेरे को। तो आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, कमेंट्स में बताते रहेंगे, वीडियो के बारे में बताते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे कैसा आपको लग रहा है, आपका दिन अच्छा जा रहा है कि नहीं, आप शेयर कर रहे हो कि नहीं, व्हाट्सअप का बना रहे हो कि नहीं, और हम एक ग्रुप जो फॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छा एक लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, एक सोसाइटी के साथ जो शेयर कर रहे हैं, इज वेरी गुड। तो ठीक है, तो आप आज का दिन ऐसे स्टार्ट कीजिए। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, ठीक है, ओके, लव यू ऑल, थैंक यू।